एक्सरसाइज 9.3 के 7 नंबर में दिया हुआ है, फॉर्म ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ पैराबोला हैविंग वर्टेक्स एट ओरिजिन एंड द एक्सिस अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस। तो एक्सिस क्या होना चाहिए, पॉजिटिव वाई एक्सिस, यानी कि ये होगा पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये इसका एक्सिस हो गया और वर्टेक्स ओरिजिन पे होगा। तो ये मेरा कर्व हो गया, तो इसका इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर बराबर 4ay। ये तो सिंपल है, इसमें एक ही कांस्टेंट है, इसका एक ही बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो मेरा कर्व का इक्वेशन एक्स स्क्वायर बराबर 4ay है। डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू डी ऑफ 4ay अपॉन डी एक्स। तो 2x इक्वल्स टू 4a इंटू डी वाई बाय डी एक्स। तो ये 4 2 से कैंसल, तो यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे और इसमें पुट कर देंगे, सॉरी a का वैल्यू निकालेंगे और इसमें पुट कर देंगे क्योंकि a इलिमिनेट करना है। तो a इक्वल्स टू क्या होगा, x अपॉन 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब इस a का वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो ये एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay, ये इक्वेशन है, इसमें पुट करेंगे एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इंटू ए एक्स अपॉन 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इंटू वाई। तो ये 2 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2xy अपॉन डी वाई बाई डी एक्स। ये एक एक्स से एक एक्स कैंसिल हो जाएगा तो मेरे पास लेफ्ट बचा एक्स इक्वल्स टू 2y अपॉन डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स को उधर ले जाएंगे, एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 2y, तो एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2y इक्वल्स टू 0। और डी वाई बाई डी एक्स को y डैश लिख सकते हैं, एक्स इंटू y डैश माइनस 2y इक्वल्स टू 0। ये मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा इस कर्व के लिए, क्लियर हो गया।